जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बार बार बताता हूं कि पोस्ट ऑफिस में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, चाहे HDFC बैंक में हो, ICICI बैंक में हो, एक्सिस बैंक में हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, SBI में हो, मतलब किसी भी सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, एक अकाउंट तो हर व्यक्ति के पास होता ही है। लेकिन इसके अलावा आपका जहां भी खाता है इससे कोई मतलब नहीं है, एक अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों जोर देता हूं, आज मैं इसका सच्चाई बताने जा रहा हूं। पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है, जितने भी सरकारी स्कीम आते हैं, चाहे वो फ्री में हो या फिर बहुत कम पैसों में हो, वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही लॉन्च किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर किसी प्रकार का योजना है जैसे किसान मानधन योजना, इस प्रकार के बहुत सारे स्कीम है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि आप तो नॉर्मल बैंक में बैंक अकाउंट रखते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट रखिए, भले ही लेन देन कम करिए लेकिन रखना चाहिए, क्योंकि सरकार की संस्था है, ये डायरेक्ट सरकार की संस्था है। अब इसमें क्या आया है नया, वो बताने जा रहा हूँ। इसमें आया है अभी एक इंश्योरेंस योजना जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम इतना बेहतरीन है, एक तरह से आप समझ लें कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, नाम मात्र का पैसा। जैसे कि ये कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष है, आप समझ सकते हैं 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक अगर आपका एज है, तो मात्र 299 से लेकर 399 रुपये के बीच पैसा आपको देना है। महीने में नहीं, आप सोचेंगे महीने में देना है, महीने में नहीं देना है, ये साल में देना है। अब समझ लीजिए, इतना पैसा तो लोग गुटके में उड़ा देते हैं महीने में, साल तो बहुत दूर की बात है, महीने में गुटके में ख़त्म कर लेते हैं, चाय में ख़त्म कर लेते हैं, फालतू चीज़ों में ख़त्म कर लेते हैं, इसका तो गिनती कर ही नहीं सकते आप। 299 399, तो ये आप करेंगे क्या कि 299 या 399, मतलब एज के हिसाब से 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच है तो 299 से 399 के बीच देना है। आप सोचेंगे 299 किसको देना है, 399 किसको देना है, तो जो स्टार्टिंग है वो 299 है। जैसे जैसे आपका एज ग्रुप बढ़ता जाएगा, 55 वर्ष के उम्र तक होगा, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 399 का आपका प्रीमियम होगा। अब क्या है इसमें, सालाना आपको देना है। फायदा आपको गिना देता हूं, फायदा बताता हूं आपको। फायदा यह है कि 10 लाख तक इंश्योरेंस मिलना है भाई साहब, 10 लाख, सिर्फ 299 या 399 में 10 लाख का इंश्योरेंस इंडिया के या पूरा वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आपको नहीं दे सकती है। अब 10 लाख का इंश्योरेंस किस प्रकार दे रही है वो सुन लीजिए। 10 लाख का इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी है, सारा चीज इसमें कवर कर रहा है। अब आपको बता दूं कैसे कवर कर रहा है। आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट का मतलब आप समझते ही हैं, रोड में आप चल रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, कहीं काम कर रहे हैं साइट पे वहाँ से गिर गया बंदा, या फिर किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है, कहीं आगजनी में कोई जल जाता है या फिर कहीं कोई डूब जाता है, इसको एक्सीडेंट बोलते हैं, हादसा बोलते हैं। अप्राकृतिक कोई भी कांड होता है उसे हादसा बोलते हैं। तो एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो 10 लाख रुपये आपको मिलेंगे, आपको नहीं आपके नॉमिनी को जिसको आपने नॉमिनी बना रखा है। लेकिन आप बच गए, एक्सीडेंट हुआ आप बच गए, अपंग हो गए, दिव्यांग हो गए, आपका कोई भी एक अंग खत्म हो गया, जैसे एक हाथ हो गया या फिर एक पैर हो गया, एक आँख हो गया, कोई भी अपंग हो जाता है, इस स्थिति में भी 10 लाख रुपया मिलेगा। जीते जी भी अगर अपंग हो गया तो इस स्थिति में भी पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस स्कीम के तहत 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो आप समझ गए कि एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर भी 10 लाख, अपंग होने पर भी 10 लाख। अब आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कवर करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस OPD की बता दूं आपको कि नॉर्मल आपको कोई तबीयत खराब होता है, नॉर्मली जिसे OPD में आप जाकर इलाज कराते हैं, कोई भी प्राइवेट अस्पताल में, ये नहीं कि सरकारी अस्पताल की बात बोल रहा हूँ, कोई भी बड़े से बड़े आप अस्पताल में जाकर इलाज कराते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ 30,000 तक का OPD आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा IPD बता दूँ, IPD 60,000 तक के। IPD का मतलब होता है कि आप जाएंगे वहाँ पर भर्ती हो रहा है, आपको नर्स का व्यवस्था मिल रहा है, वहाँ पर आपको खाना मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, जाँच मिल रहा है, इस तरह का आप वहाँ पर भर्ती होते हैं कुछ दिनों के लिए, तो भी आपको 60,000 तक का कवर करेगी ये प्लान। और अगर OPD में जाते हैं, जैसे दवा लेकर आ जाते हैं, कुछ इलाज करा के आ जाते हैं, या फिर छोटा मोटा बीमारी होता है, उसमें 30,000 तक का कवर करेगी। तो 30,000 तक का कवर करेगी। OPD का मतलब ये भी होता है कि आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, कुछ दवा लिखवा लेते हैं, तो ये सब OPD में आता है। तो 30,000 तक का आप करा सकते हैं इस स्कीम के तहत, मात्र 299 से 399 रुपया सालाना देकर, मासिक नहीं, आप ध्यान रखिएगा, महीने में नहीं, साल में, समझिए ये पैसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जब तक आप भर्ती रहेंगे हॉस्पिटल में, IPD में जाते हैं, जब तक आप भर्ती हॉस्पिटल में रहेंगे, 1,000 रुपया डेली के हिसाब से आपको मिलेगा।
प्रति दिन के हिसाब से 1,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा और आपको बता दूं कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस स्कीम के तहत बता रहा हूं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अपंग हो जाता है, उसके दो बच्चों को सालाना 1,00,000 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाएगा पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। किसी प्रकार का एजुकेशन कर रहा है, सिर्फ दो बच्चे का, अगर 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं उसका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेती है, क्योंकि ये सरकारी है और सरकार का कहना ही है हमारे दो का ही गारंटी लेता है। दो बच्चे की आपकी पढ़ाई चल रही है तो 1,00,000 रुपया प्रति ईयर उसे दिया जाता है छात्रवृत्ति के तौर पर पढ़ने के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधा इसमें दी गई है। आपका उम्र अगर 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच है तो आप जाकर पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम का जरूर जानकारी लीजिए। लेकिन इसके लिए मैं बार बार क्यों खाता पे जोर देता हूँ, ये उसके लिए है जिसका पोस्ट ऑफिस में खाता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है तभी ये सुविधा मिलेगी। अब खाता में क्या क्या मिलता है मैंने आपको बता दिया। आप सोचे कि पोस्ट ऑफिस में कोई खाता होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलता है। पोस्ट ऑफिस को बिल्कुल और बिल्कुल बैंक बना दिया गया। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने उसे बैंक का दर्जा दे दिया गया। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस का ATM भी है। आप कहीं कहीं देखेंगे पोस्ट ऑफिस का ATM भी लगा हुआ है, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट ATM। इसके अलावा ATM कार्ड भी जारी किया जाता है। आप अप्लाई करेंगे तो पोस्ट ऑफिस का ATM कार्ड मिलेगा। उसका ऐप आता है जिसके द्वारा आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ FD करा सकते हैं, चेकबुक ले सकते हैं, पासबुक तो मिलता ही है। कितना सारा सुविधा है आप पोस्ट ऑफिस में आप सोच नहीं सकते हैं। बैंक से बहुत ज़्यादा सुविधा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लोगों को जानकारी नहीं मिल पाता है। तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपके यहाँ छोटा पोस्ट ऑफिस है, बड़ा पोस्ट ऑफिस है, कहीं भी आप जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि मुझे अकाउंट खोलना है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट खोलना है या करेंट अकाउंट खोलना है, वो खोल देंगे। आप ATM अप्लाई कर दीजिए, चेकबुक अप्लाई कर दीजिए, सारा आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि यहां मिनिमम बैलेंस बहुत कम पैसा रखा गया है। मिनिमम बैलेंस अगर आप चेकबुक ATM नहीं लेते हैं तो मात्र 500 ही मेंटेन करना है, लेकिन ये दोनों की सुविधा लेते हैं तो मात्र 1,000 ही मेंटेन करना है। और उसके बाद जो ये सुविधा आप लेंगे, फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस स्कीम का। ये जो भरेंगे आप फॉर्म, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके अकाउंट से 299 से लेकर 399 के बीच पैसा कट जाएगा। मतलब कि सालाना जो आपको फिक्स कर दिया जाएगा वो कटेगा साल में 299 या फिर 399 आपके एज ग्रुप के हिसाब से, वो हर साल ऑटोमेटिक वहां से कट जाएगा। उसके बाद आपका इंश्योरेंस हमेशा चलता रहेगा। ये नहीं कि आपको जाकर जमा करना है, वहां पर रसीद लेना है, कुछ नहीं। आपके अकाउंट से कटेगा, आपके अकाउंट में जब पासबुक अपडेट कराएंगे तो उसमें रिसीविंग रहेगा, लिखा रहेगा कि ये पैसा आपका इंश्योरेंस में कटा है। और जब भी आपके साथ इस तरह का कुछ हादसा होता है तो आपको सारा कवर मिलता है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस का कवर हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर हो, सारा तरह का कवर आपको मिल जाता है। यह 15 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है, अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, ये पोर्टल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है लोगों को, लेकिन सभी लोगों तक खबर नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारे लोगों को पोस्ट ऑफिस की खास जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को, चाहे रेलवे से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, चाहे कोई श्रम कार्ड से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, या फिर कोई कानून से संबंधित हो, कोई भी कुछ भी नया आता है तो मैं जानकारी देता हूँ। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि उन्हें जानकारी दूँ। जैसे अपडेट मेरे पास आता है मैं लोगों को जानकारी देता हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप देखते होंगे। अगर आप सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो बता रहा हूं, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर रखा है तो उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में बेल घंटी आपको दिखेगा, उसको भी दबा लेना है, बस हो गया। इसमें ना आपको पैसा लगना है ना कुछ लगना है, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिससे फायदा ही होगा। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इरिटेट हो गए, आपको बुरा लग रहा है, कुछ भी अच्छा ही चीज़ मिलेगा जिससे आपको बेनिफिट ही होगा। जैसे ये स्कीम है, बता दिया हूँ, घर बैठे ना कहीं आपको जाना है, ना कहीं आपको सर्च करना है, आपको घर बैठे मिल गया। तो इसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए, नई नई जानकारी चाहते हैं, तो बने रहे मेरे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मुद्दे के साथ, अच्छे मुद्दे जो आप ही के मुद्दे पर होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर और किसी नए मुद्दे पर वीडियो चाहिए, कोई अलग मुद्दे पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो बना देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।